हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी जो आपने इंट्रो देखे वो इंट्रो कैसे बनाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो आपको हमारे सारे अपलोड्स के अपडेट्स आ जाएंगे। मैं आज आपको बताऊँगा कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इंट्रो जो अभी आपने देखा है वो इंट्रो कैसे बनाएं। उसके लिए आपको दो ऐप लगेंगे जिसका नाम, एक का नाम है पिक्सल ऐप और एक का नाम है काइन मास्टर। तो सबसे पहले आपको ओपन करना होगा पिक्सल ऐप। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा थ्री डॉट्स पे और आपको फिर कस्टम पे क्लिक करके YouTube थंबनेल पे क्लिक करना होगा, फिर ओके कर लेना होगा। फिर आपको क्लिक करना होगा टेक्स्ट पे, उसे डिलीट कर देना होगा और फिर आपको ए पे क्लिक करना होगा, सॉरी लेट बटन लेट पे, और आपको ट्रांसपेरेंट करना होगा और फिर आपको ए पे क्लिक करना होगा, फिर प्लस पे क्लिक करना होगा और फिर एडिट पे क्लिक करना होगा आपको। फिर आप जो चाहें यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डाला सिनेमैटिक और फिर आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद आपको दिखेगा साइज, आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, सिंपली से ओके कर लीजिए। फिर आप इसे रिलेटिव पोजीशन में जाके इसी पोजीशन कर लीजिए, फिर आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ए बी फॉन्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको जो भी फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो भी चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स है, सेव ओके कर लीजिए। और फिर आप यहाँ पे जाइए, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप एक इमेज चूज़ कीजिए, फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद 3D टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और उसे अनेबल कर लीजिए। थोड़ा नीचे क्लिक करने के बाद आपको डेप्थ लिखेंगे 10, आप उसे डेप्थ कर लीजिए आप 7। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, फिर आपको डार्कन दिखेंगे 30%, तो आपको उसे 100% कर लेना होगा। आप रोटेशन को कर लीजिए आप 21 डिग्री, उसे सिंपली से ओके कर लीजिए और फिर आपको उसे सेव कर लेना होगा। और फिर आपको कस्टम पे क्लिक करके आपको अल्ट्रा पे क्लिक करना होगा, सिंपली इसे सेव टू गैलरी कर लेना होगा। तो हमारी इमेज सेव हो चुकी है गाइस, इसे ओके कर लेना होगा आपको। अब आपको ओपन करना होगा काइन मास्टर। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना होगा एडिटिंग पे, फिट इन स्क्रीन पे क्लिक करके आपको सिंपली से ओके कर लेना होगा। फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा, आपको थोड़ा ऊपर करना होगा, और फिर यहाँ से आप इसको थोड़ा 9 सेकंड्स तक कर लीजिए और फिर आप मीडिया पे क्लिक करके, लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कीजिए और फिर आप एक सिंबल ले लीजिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आप फिर इसे थोड़ा सा आगे लीजिए और फिर इसे भी उतना ही बड़ा कर दीजिए जितना हमारा बैकग्राउंड है।
और फिर आप इन एनिमेशन पे क्लिक करके आप फेड पे क्लिक कीजिए, सिंपली से ओके कर लीजिए। डबल से आप उस पर क्लिक कीजिए और आउट एनिमेशन पे क्लिक कीजिए और आप इससे भी फेड कर लीजिए, सिंपली से ओके कर लीजिए। फिर आप लर पर जाके मीडिया पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप ये चूज़ कीजिए वीडियो, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सॉरी इमेज। फिर आप ब्लेंडिंग पे क्लिक कीजिए, ब्लेंडिंग पे, फिर आप क्लिक कीजिए डार्कन पे, सिंपली से ओके कर लीजिए, इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए। और इसे थोड़ा ऊपर कर लीजिए और फिर आप क्लिक कीजिए क्रोमा की पे और फिर आप इसे थोड़ा सा एंड पॉइंट पे लाके इसे एकदम बाजू कर लीजिए। मैं आपको एक बार प्ले करके बता देता हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इंट्रो हमारा बन चुका है। फिर आपको लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना होगा और फिर अभी जो हमने पिक्सल लैब से बनाए थे आपको वो ले लेना होगा, वो टेक्स्ट, और फिर आपको बिल्कुल लोगो के नीचे उसे लगाना होगा और उसे भी फेड कर लेना होगा इन एनिमेशन पे जाके। फिर आपको क्लिक करना होगा और एनिमेशन पे और उससे भी फेड करके इसे ओके कर लेना होगा। और फिर आपको शेयर के बटन पर क्लिक करना होगा और इसे डाउनलोड कर लेना होगा, एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो यह हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब प्लस पे क्लिक करना होगा आपको, फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा, फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आपको जो अभी हमने बनाया था वो चूज़ कर लेना होगा। फिर आपको लॉयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना होगा, और आपको फिर एक वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से। फिर आप थोड़ा उस पर क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और ब्लेंडिंग पे क्लिक कीजिए, थोड़ा ऊपर करके आप इसे स्क्रीन कर लीजिए, ओके कर लीजिए इसे। मैं आपको एक बार प्ले करके बता देता हूँ। फिर आप लॉयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कीजिए और फिर इसे वही चूज़ कीजिए, इसे भी वैसे ही कर लीजिए। तो ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। सो आई होप गाइस सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।